बार एक बड़ी घटना के पीछे कुछ ऐसे राज होते हैं जो दिखते नहीं हैं, बस समझने पड़ते हैं। कतर और भारत का विवाद भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया ने देखा कि कैसे कतर ने एक शरिया को कुट की तरह काम करते हुए भारत के 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुना दी। न सबूत दिए और न ही अपनी कोर्ट में केस लड़ने का मौका दिया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सच दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको कतर की असली बेचैनी समझ आ जाएगी। कतर बुरी तरह घबराया हुआ है क्योंकि भारत ने अफ्रीका के एक देश में ऐसा कदम उठाया है जो कतर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। दरअसल भारत ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने कतर को गद्दारी और सीनाजोरी की सजा दे दी है, और वो भी सिर्फ 100 घंटों में। भारत ने अचानक मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो नाम के एक इलाके में 20 बिलियन डॉलर की एलएनजी परियोजना पर काम तेज कर दिया है। इसकी जानकारी 30 अक्टूबर को खुद भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोजाम्बिक के इस परियोजना का कतर से क्या लेना देना है। तो चलिए आपको बताते हैं मोजाम्बिक में भारत के तूफान में कतर को कैसे उड़ गया। दरअसल एनजी और सीएनजी जैसी नेचुरल गैसों की बात करें तो भारत कतर पर निर्भर है। भारत 40-50% नेचुरल गैस कतर से ही खरीदता है। भारत में नेचुरल गैसों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत की नेचुरल गैस की मार्केट पर कतर हावी है। इसीलिए भारत काफी समय से कतर पर इस निर्भरता को कम करना चाहता था। भारत की सबसे बड़ी गैस इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट कतर के साथ अपनी नेचुरल गैस डील को रिन्यू ना करने पर विचार कर रही थी। भारत खुद दूसरे देशों में नेचुरल रिसोर्सेज के भंडारों को खरीदने में लगा था और भारत को यही मौका मोजाम्बिक में मिल गया। अप्रैल के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर मई के महीने में भारत के ऑयल सेक्रेटरी मोजाम्बिक गए थे। बस इसी बात से कतर डर गया। कतर को लगा कि भारत की नेचुरल गैसों की मांग अगर मोजाम्बिक से ही पूरी हो गई तो उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। कतर जानता है कि तेल खत्म तो खेल खत्म। यही वजह है कि कतर काफी समय से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कतर ने कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया, नुपुर शर्मा और हिजाब विवाद जैसे मामलों में भारत को नसीहत देने की कोशिश की। लेकिन जब कतर को लगा कि भारत झुकेगा नहीं तो उसने भारतीय अधिकारियों को फांसी की सजा दे दी। लेकिन भारत और भी ज्यादा भड़क गया। भारत ने सिर्फ 5 ही दिनों में कतर के पर कतर दिए। भारत मोजाम्बिक में जिस परियोजना पर धीरे धीरे काम कर रहा था उसमें अचानक तेजी ला दी गई है। भारत अब मोजाम्बिक के रास्ते कतर को रगड़ देगा।